हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो 90 डेज सीरीज की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है, फोर्थ डे में आपका स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में, बट वो बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बात नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ए इंटरव्यूअर, जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो पर्सन आपका इंटरव्यू लेगा उसको हर चीज की नॉलेज होगी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की। तो आप ये मत सोचिए कि हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, हम ये आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट कहता है नहीं जी मैंने वहां से कर लिया, वहां से सीख लिया, प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं उन सभी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट में ऐसा, किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग के नाम पे सिर्फ आपको साइकिल प्रोग्रामिंग करवा दी जाती है, या सिंगल कट की प्रोग्रामिंग करवा दी जाती है, या फिर एब्सोल्यूट या फिर इंक्रीमेंटल। लेकिन अगर आप किसी एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट से सीखोगे लॉजिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो चारों लेवल कंप्लीट करवाएगा। सबसे पहले साइकिल प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और सिंगल कट की प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, चारों लेवल आपके कंप्लीट होंगे, तो आप किसी भी कंपनी में जाकर किसी भी कंपनी का पार्ट बना सकते हो और किसी भी तरह की ड्राइंग देख के उसका इजीली प्रोग्राम बना सकते हो। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, आप ऑप्शनल नहीं होंगे कि नहीं जी मेरे को ये चीज़ आती है। ये ऑप्शनल की बातें वहां पर आती है जहां पर किसी इंस्टीट्यूट ने आपको इस तरह से सिखाया होता है कि आपको 90% तो सिखा दिया, 10% छोड़ दिया, कुछ चीज़ें छोड़ दी। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे जो ऑनर है या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला कुछ सवाल पूछता है, आपको बोलता है कि ये दो पीस बना दीजिए, तो आप बोलते हो सर ये पीस तो मैं बना दूंगा लेकिन मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब आप वहां पे हो जाते हो ऑप्शनल। तो हमको ऑप्शनल नहीं होना है, अगर हमने फीस पूरी दे रखी है, अपना टाइम पूरा दे रखा है, तो हमको ऑप्शनल होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शनल हो कंप्लीट करने के बाद कोर्स, तो आपका वो कोर्स किसी काम का नहीं है, वो आपका टाइम भी वेस्ट है, आपका पैसा भी वेस्ट है। इसीलिए किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखिए जो आपको ऑप्शनल ना बनाए, जो आपको परफेक्ट बनाए, ताकि वो आपको ये कहे कि कोर्स करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, आप उस कंपनी का कोई भी पार्ट इजिली बना सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो समझ लग गई होगी कि हमको ऑप्शनल बनना है या फिर परफेक्ट बनना है, ऑलराउंडर बनना है। ठीक है जी, अब इससे भी पहले एक बात आती है बेसिक चीजों के बारे में। बहुत सारे, सभी की बात नहीं हो रही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करवा दी जाती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आपको सेटिंग भी करवा दी जाती है, प्रोग्रामिंग भी करवा दी जाती है, लेकिन बेसिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं दी जाती है, बेसिक चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दें कि बेसिक चीजों का, बेसिक कोर्स का, बेसिक प्रेजेंटेशन का आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा 100% कह लीजिए रोल है आपके इंटरव्यू को क्लियर करने में। जैसे मान के चलिए आप सीएनसी सेटिंग करने के बाद, प्रोग्रामिंग करने के बाद, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, आप सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हो, तो सर्टिफिकेट तो देखिए एक गेट पास है, एंट्री पास, आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन एंट्री मिलने के बाद आपको वहां पे जॉब भी करनी है, सिर्फ एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेने के बाद आपको जॉब भी करनी है, और जॉब में सिलेक्शन तब होनी है जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो आपको ये बता दें कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो बेसिक चीजों के होते हैं, सीएनसी मशीन कब बनी थी, सीएनसी किसने बनाई थी, कौन कौन से इसमें कोड्स होते हैं बेसिक के, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वर्क करती है, M03 क्या है, M04 क्या है, इसका स्लांट वेट क्या वर्क करता है, फ्लैट वेट क्या वर्क करता है, और कूलेंट क्या वर्क करता है, मिस्ट कूलेंट क्या है, फ्लड कूलेंट क्या है, और आपका ऑप्शनल स्टॉप क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, टेल स्टॉक क्या होता है, स्टेडी रेस्ट क्या होता है इसके अंदर,
क्लैंपिंग क्या होती है, क्लैंपिंग कितने तरह की होती है, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं एज ए बेसिक इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने सेटिंग करवा दी है, प्रोग्रामिंग करवा दी है, लेकिन बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो आपको ये बोल देता है बेसिक तो कुछ नहीं है जी, बेसिक का क्या है, बेसिक तो हर चीज की नॉलेज हर बंदे को होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी बीटेक क्लियर है, जिनकी एमटेक क्लियर है, लेकिन उनको बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता। इसीलिए हमारे पास चाहे कोई टेंथ पास करके आए, चाहे बीटेक, चाहे डिप्लोमा, हमारा फर्ज बनता है उसको बेसिक चीजों की जानकारी दी जाए। तो यही चीज है कि आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, ये इंटरव्यू के ऊपर ही है कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो हमने तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती बेसिक में, वो सारी आपकी क्लियर करवानी है। अभी आपको एक दो का यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी मशीन, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी मशीन इन्वेंटेड बाय जॉन टी पार्सन्स एंड फ्रैंक एल स्टूलन इन 1940 फ्रॉम इंग्लैंड। कब बनी थी, कहाँ बनी थी, किसने बनाई, कब इन्वेंशन डेट हुआ, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ, वो सारी चीजें हैं। और सीएनसी मशीन क्या है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे कोर्स सीख रहे हो, चाहे किसी के अंडर काम कर रहे हो, या आपको 10 साल भी हो गए, ठीक है, कहीं किसी सेमिनार में जाते हो, कोई मतलब मान के चलो एग्जीबिशन लगी, वहां पर किसी ने पूछ लिया आपसे, तो वहां पर रिजेक्ट हो जाते हो, वहां पर आपकी बेइज्जती होती है। पहली बात तो सिलेक्शन ही नहीं हो गया, इंटरव्यू में ये चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में जानिए, जो कि हम सारी चीजों के बारे में नॉलेज देते हैं। फिर से वही बात कि आपको यही नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास ही कीजिए जहां पर आपको अच्छा लगता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। ये सिलेबस कहीं भी मिलता है, कहीं पर भी है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे फीस 10 की बजाय 25,000 है, 15,000 है, ज्वाइन कर लीजिए, फीस ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कम है फीस, कोई दिक्कत नहीं, वहां ज्यादा भी है लेकिन सिलेबस कंप्लीट है तो कर लीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, आपको फिर से बोल रहे हैं कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट में जरूर हमें बताइए, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।